इसमें सारा जो है दूध रखा हुआ है। और ये देखिए ये हंस रहे हैं, आप क्यों हंस रहे हैं ये बताइए सर। नहीं ऐसे हंस रहे हैं नहीं, ठीक है, हंसते हुए अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे आ गए हैं, देखिए यही बाइक है जिससे कि हम डिलीवरी करते हैं, और सुबह में डिलीवरी होता है, और बहुत अच्छा डिसीजन था कि हेलमेट पहन लिए हैं, अभी एक बार और लगने से बचे हैं। और ये देखिए पटनहिया गाय जो है हमारी है, A2 मिल्क देती है। बहुत लोगों को नहीं पता है A2 A1 क्या होता है, पर हम बता देते हैं। इधर देखिए, इधर नहीं देख रही है बेचारी गौ माता, नहीं देख रही हैं। ये देखिए ये बिल्कुल पटनहिया गाय है, पटना की है, लोकल पटना की है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि इस गाय को ज़्यादा जो है बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ता है, इसे स्वस्थ रहती है और अच्छा दूध देती है। तो ये सब फ़ायदा है। अब जो है हमारा दूध जो है दुहा चुका है। आज हाउ नाम क्यों और यहाँ जो है तैयारी हो चुकी है। माथा में दर्द हो रही है, के टक्कर में हमारा बाबा कहते टक्कर खाते रहते हैं। हम तो हेलमेट वाले पहन के अब जाएंगे अंदर भैया। गाँव के लिए जो है रोटी और कुछ सब्जियां हैं जो कि हम लोग देंगे, ताकि जो है गौ सेवा बहुत ही महत्वपूर्ण है। गौ का संरक्षण करना, गौ का सेवा करने से जो है धन धनाढ्य में बहुत ही प्रगति होती है। इसीलिए बहुत हमारे जो पूर्वज हैं दादाजी भी, हर पहला जो नवाला है गौ को ही दिया जाता है, ताकि जो धन धनाढ्य में काफ़ी वृद्धि हो। और यहाँ पापा का काम कंप्लीट हो गया है, और अब मेरा काम स्टार्ट होगा। तो यहाँ मैं बोतल को वॉश करने जा रहा हूँ और पैकिंग करके डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज ज़्यादा दूध नहीं है, एक जगह का ऑर्डर आज कैंसिल है, क्योंकि वो लोग को कल 3 लीटर हम दे दिए थे, तो आज वो उनके घर में ज़्यादा कंजप्शन नहीं है दूध पीने वाले। पर कोई इशू नहीं है, जो दूध बच जाता है उसका घी बनाते हैं, जो कि एकदम देसी तरीके से तैयार किया जाता है। अगर आप घी का जो है, मैं एक वीडियो भी बनाऊँ कैसे तैयार हो जाता है, और आप अगर घी लेना चाहते हैं तो पर भी संपर्क कर सकते हैं। हम लोग का पूरा प्लान है यही कि जो घी जो है, अब ये देख सकते हैं कि वो जो है दूध दुहने के बाद जो है अभी गौ सेवा फिर से शुरू हो गई है, गोबर को उठाने में लग गए हैं और पूरे गोबर को साफ़ करते हैं, ताकि क्योंकि गंदगी जो है यहाँ बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है, गंदगी से बहुत दूर और मेहनत का यह काम है। तो गंदगी जो है नहीं होने के लिए ये जो है आप हमेशा जो है गोबर को हटाते रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अब जो दूध पीते हैं हमारे यहाँ से वो कितना शुद्ध होता है, कितना मेहनत करके जो है आपके यहाँ दूध पहुँचा जाता है। तो आपको समझना चाहिए बात को और ये चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों इसी के लिए वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर, बाय।